आज हैं हम विकास भवन दिल्ली सरकार के जो अफसरान जो विकास भवन के अंदर बैठते हैं, आज आशा वर्कर उन्हीं से गुहार कर रही हैं, दिल्ली सरकार से गुहार कर रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री से गुहार कर रही हैं, उप मुख्यमंत्री से गुहार कर रही हैं, उनके नारे लगाए जा रहे हैं। ये 28 अगस्त से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही नहीं, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं उनके निवास स्थान पर भी इन्होंने अपना रोष प्रकट किया। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और मैं न्यू अशोक नगर डिस्पेंसरी से बिलोंग करती हूं। मैडम, आप कितने दिन से आशा वर्कर में काम कर रही हैं? मेरे को 8 साल काम करते हुए हो गए सर यहाँ इस आशा वर्कर में। आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप यहाँ विकास भवन पर आई हैं? हमारी दो ही मांगे हैं, सभी आशा बहनों की दो ही मांगे हैं, सभी डिस्पेंसरियों से ये आवाज़ उठी है कि हमें जो है ना, जो हम सरकार का काम करते हैं वो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा वेतन कुछ किया जाए। फिक्स किया, वेतन फिक्स।